सोलन में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है और युवा इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने 4 युवकों को चिट्ठे के साथ गिरफ्तार किया है। मामला कंडा घाट के समीप वाकना घाट का है, जहां पुलिस ने 4 छात्रों को 15.7 ग्राम चिट्ठे के साथ गिरफ्तार किया है। ये चारों युवक एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बताए जा रहे हैं। डीएसपी अमित ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि कंडाघाट पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने एक किराए के कमरे में छापा मारा और 4 युवकों को नशा करते हुए पकड़ा। उन्होंने बताया कि 4 युवकों के पास 15.7 ग्राम चिट्टा फॉयल पेपर चमचा व पेइंग मशीन पकड़ी गई है। आज पुलिस स्टेशन कंडा घाट पर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि वाकना घाट में एक रेंटेड अकोमोडेशन में कुछ युवक चिट्टा और हेरोइन का प्रयोग कर रहे हैं और यह युवक हेरोइन की खरीद फरोख्त का कार्य भी करते हैं। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एएसआई प्रकाश और उनकी टीम ने उक्त स्थान पर दबिश दी और 4 युवकों के कब्जे से 15.7 ग्राम हेरोइन उर्फ चिट्टा, कुछ सिरिंज व नीडल, एक स्टील का चम्मच, सिल्वर फॉइल बरामद किया है। इस मामले में धारा 21 और 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान इन युवकों ने अपना नाम अंकज, शिवेन, शुभम और धृत्यमान बताया है और इन्होंने यह भी बताया है कि यह एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी इन चारों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनका पुलिस रिमांड हासिल करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई। गौरतलब है कि जहां नशे के कारोबारी नशे को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं पुलिस ने भी नशा तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने पिछले कुछ समय में भारी मात्रा में चिट्टा, चरस आदि सहित कई नशीले पदार्थ पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।